तो दोस्तों किले के पास आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेंट्री पर लिखी गई है। तो थोड़े ऊपर आते आपको जो एक रास्ता दरवाजा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस व्लॉग के जरिए हम आपको दिखाने वाले हैं पुरंदर किला, जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। दोस्तों अभी हम पुरंदर किले के पास आ चुके हैं, तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम दोनों दोस्त गाड़ी से निकल रहे हैं, तो चलिए निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो है पुरंदर किले के पायथा के पास आ चुके हैं और ये आपको बोर्ड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों काफी प्यारा नजारा दिख रहा है यहाँ से और काफी प्यारा मौसम है, आप देख सकते हो घने बादल छाए हुए हैं। और दोस्तों अभी हम किला चढ़ रहे, देख सकते हो आप। तो दोस्तों देख सकते हो हमारे आगे बाइक है, वो बाइक भी नहीं दिख रही, ऐसा मौसम हो चुका है यहाँ पर, पूरा फॉगी फॉग है। तो चलिए निकलते हैं। तो दोस्तों किले के पास आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर एक मिलिट्री कैंप है, जहाँ पर कि आधार कार्ड वगैरह चेक होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो छत्रपति संभाजी महाराज जन्मस्थल किले पुरंदर। तो देख सकते हो माहौल कैसा है, तो नीचे का हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और ऊपर आती बारिश तेज हो चुकी है। तो देख सकते हो यहाँ पर पार्किंग है, गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो चलिए अब अंदर जाते हैं, देख सकते हो आर्मी ट्रेनिंग एरिया। तो दोस्तों कैंप से आगे आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका आईडी प्रूफ जो है वेरीफाई होता है और पूरा बैग वगैरह चेक होता है, लैपटॉप कुछ है क्या, कैमरा वगैरह है क्या बोलते हैं। तो दोस्तों सब कुछ वेरीफाई चेक हो चुका है, आधार कार्ड वगैरह। तो अब हम यहाँ से ट्रेकिंग है, तो यहाँ से थोड़ी देर हमें चलना है। तो आप देख सकते हो फोर व्हीलर के लिए अंदर पार्किंग है और टू व्हीलर के लिए बाहर। तो चलिए अब निकलते हैं। तो बारिश बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो पूरे। तो दोस्तों ऊपर आती है आपको थोड़ा कैंप से आगे आती है आपको यहाँ पर कुछ चर्च दिखाई देंगे। जब यहाँ पर अंग्रेज थे इंडिया में, तब का ये चर्च आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके हम ऊपर आ चुके हैं, तो कुछ इस तरीके से चर्च है, अभी भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से चर्च बनाए गए हैं। तो दोस्तों चर्च के अंदर हम आ चुके हैं, तो काफी अच्छी हालत में अभी भी चर्च हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो कुछ थोड़ी देर अंदर आती आपको देखने को मिलेगा, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो काफी पुराना चर्च है, लेकिन हालत अभी काफी अच्छी है। अंग्रेजों के जमाने का चर्च है, जब यहाँ पर किले पर रहने आते थे लोग, तब बनाया गया है। तो चलिए अब निकलते हैं बाहर। तो दोस्तों थोड़े आगे आती आपको यहाँ पर मुरारबाजी देशपांडे जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। तो थोड़े ऊपर आती आपको जो ये बुरुज एक रास्ता दरवाजा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पहले जो प्राचीन रास्ता यहाँ से नीचे से ऊपर आना था, लेकिन अभी आर्मी कैंप वाले नया रास्ता यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाया है, यहाँ से आना पड़ता है। और ये जो रास्ता आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा बंद कर दिया गया है। तो ट्रेकिंग अगर करनी थी तो यहाँ से पहले ट्रेकिंग थी, लेकिन अब जो सीमेंटी रास्ता यहाँ से आप देख सकते हो। तो जो कि मैं दरवाजे के बारे में बता रहा था, पहला जो दरवाजा है, तो ये देख सकते हो यहाँ से रास्ता बंद है। और यहाँ से ट्रेकिंग करके नीचे से पहले रास्ता था, जो कि अभी बंद है। तो ऊपर से मैंने दिखाया था, तो कुछ इस तरह का है दरवाजा, देख सकते हो। तो ये पहला दरवाजा, यहाँ से एंट्री होती थी, यहाँ पर एक चर्च है। दोस्तों पहले दरवाजे से थोड़े आगे आती आपको और एक चर्च यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पता नहीं कितने चर्च है, लेकिन ये दूसरा चर्च हम देख रहे हैं अभी। तो ये भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको अभी भी देखने को मिलेगा यहाँ पर आओगे तो। तो बारिश तेज होने की वजह से कुछ लोग अंदर ठहरे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है और आप आगे नंदी जी भी देख सकते हो। तो चलिए पहले हम जो है महादेव जी के दर्शन लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद किले के ऊपर जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर शिवलिंग है। तो दोस्तों देख सकते हो एक छोटा सा शिव मंदिर। तो दोस्तों फॉग थोड़ा सा कम हो चुका है और किला थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है, हल्का हल्का सा हमें गांव, नीचे का गांव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ऊपर किला भी आप देख सकते हो,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्ची है, मिर्ची। तो दोस्तों यहाँ पर एक राजा कैंटीन नाम से कैंटीन है, तो यहाँ पर आप जो है आपको जो है वड़ा पाव वगैरह, मटकी भेड़, भाजी पूरी, ऐसा सब कुछ मिल जाएगा। वेपर्स, बिस्किट वगैरह, हमने बिस्किट वगैरह ले लिए थोड़े। तो यहाँ मंकी भी आप देख सकते हैं। तो चलिए निकलते हैं ऊपर। अब काफी लोग हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो पब्लिक। तो दोस्तों मैंने अभी जो होटल के बारे में आपको बताया, तो थोड़ा आपको आगे आने पर यहाँ पर किले पुरंदर इस तरीके से नाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप सीधा सामने जाओगे तो आपको वहाँ पर एक म्यूजियम है, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और उसके साइड में म्यूजियम है। वहाँ पर आप मोबाइल, उस म्यूजियम में आप मोबाइल वगैरह लेके जा सकते हो। लेकिन दोस्तों उस वो म्यूजियम होने के बाद आपको फिर से पीछे आना है। पीछे आकर दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहाँ पर एक कैंप है। यहाँ पर आपको जो है आपका मोबाइल, सभी मोबाइल जमा करके आप ऊपर किले पर जा सकते हो। किला ऊपर है और वहाँ पर एक म्यूजियम है। तो दोस्तों उस कैंप से हम थोड़ा आगे आ चुके हैं, आप देख सकते हो वहाँ पर कैंप है, उससे आगे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें जो है म्यूज़ियम देखने को मिलेगा, तो देख सकते हो। तो पहले हम म्यूज़ियम देख के आएंगे, उसके बाद हम जो है किला चढ़ेंगे। वहाँ पर थोड़ी सी ट्रेकिंग है, किला जो ऊपर 2 किलोमीटर का है, लगभग 40 मिनट की हमें ट्रेकिंग करनी पड़ती है। तो पहले हम जाएंगे म्यूज़ियम देखने को दोस्तों। तो दोस्तों रास्ते में ही आपको श्री छत्रपति संभाजी महाराज उद्यान देखने को मिलेगा, और छत्रपति संभाजी महाराज की यहाँ पर एक मूर्ति है, आप देख सकते हो। तो चलिए दर्शन लेते हैं यहाँ पर। उद्यान बनाए गए हैं बैठने के लिए, नज़ारा लेने के लिए। यहाँ पर बैठ के आप नज़ारे ले सकते हो इस उद्यान से नीचे के। अभी फॉग है तो उतना कुछ खास नहीं, यहाँ पर मस्त हवाएं चलती है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल बनाया गया है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों हम म्यूजियम के नजदीक आ चुके हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन बोर्ड देखने को मिल रहा है और ये है म्यूजियम, और उसके साइड में आपको और एक मिंट्री कैंप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों म्यूजियम के पास जाते समय आपको यहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज की एक मूर्ति देखने को मिलेगी, तो काफी प्यारी मूर्ति है, और नीचे का नजारा आप देख सकते हो। म्यूजियम के पास आ चुके हैं और ये देख सकते हो काफी लोग अभी म्यूजियम के अंदर जा रहे हैं। तो छत्रपति संभाजी महाराज वंदन। मोबाइल जमा करना है, उसके बाद यहाँ पर किले के ऊपर जाने का रास्ता है। तो दोस्तों किले के ऊपर जाकर हम नीचे आ चुके हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमने मोबाइल जमा किया था, तो मोबाइल मैंने ले लिया है। तो जो टोकन दिया था हमको वो वापस करना रहता है, तो संभाल के रखना उसको। तो दोस्तों ऊपर अगर ऊपर का एनवायरनमेंट डिस्क्राइब करें, किला किस तरह से डिस्क्राइब करें, दोस्तों बहुत ही छोटा रास्ता है और हमें जो है लगभग 40 मिनट ट्रैकिंग करके ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर जाने के बाद दोस्तों लगभग 1-2 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद आपको जो है एक शिव मंदिर है दोस्तों। ऊपर केदारेश्वर महादेव मंदिर है, काफ़ी अच्छी वहाँ पर जो है शिवलिंग है, महादेव जी का नंदी है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है ऊपर। तो दोस्तों अट्रैक्टिव अगर बताएं तो ये महादेव मंदिर है वहाँ पर, उसके बाद आप जो है वहाँ पर बुरुज देख सकते हो। दोस्तों किले से नीचे हम आ चुके हैं, पार्किंग से गाड़ी भी ले ली है। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने पुरंदर किले को डिस्क्राइब किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी किले की वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।